जनपद एटा के थाना सकीट क्षेत्र के गांव घुटलई में आज बारिश का कहर टूटकर एक परिवार पर गिरा है। भारी बारिश के चलते गांव घुटलई में बने एक मकान के ऊपर का कमरा अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे मकान के मलबे में एक 12 वर्षीय बच्चे सहित एक 45 वर्षीय महिला दब गई, जिससे दोनों गंभीर घायल हो गए। 12 वर्षीय विकास और एक 45 वर्षीय महिला सीसमती दबने के चलते गंभीर घायलों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर उपचार के लिए एटा जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां डॉक्टर प्रवीण कुमार ने मासूम बच्चे को मृत घोषित कर दिया और 45 वर्षीय महिला सीसमती की हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें आगरा SN मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं महिला सीसमती की हालत इतनी गंभीर थी कि वो आगरा SN मेडिकल भी नहीं पहुंच पाई और रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं मकान के मलबे में दबकर हुई दो लोगों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। अस्पताल में बच्चा तो हमारा भतीजा नहीं था, वो खत्म हो गया और जो महिला है वो तो गर्भवती आ रही थी, अब रास्ते बताते हैं खत्म हो गए। और परिवार के लोगों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल थाना पुलिस ने दोनों मृत शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदी के दो लोग आए थे, जिसमें कि एक एडोलेसेंट 14 या 15 साल का बेटा बच्चा और एक 45 इयर्स की महिला आई थी। तो हालत महिला की सामान्य लग रही थी, बट वो भी पूरे कॉन्शियस में नहीं थी, तो हमने उसे हेड इंजरी के सोचते हुए मैंने उसे आगे CT स्कैन के लिए आगरा रेफर किया था। और उसका जो उसमें जो बालक था उसको काफ़ी चोटें थी, खुली हुई चोटें भी थी, घुटने में भी चोट थी और सांस वगैरह लेने में दिक्कत हो रही थी। जब मैं BP वगैरह भी उसका रिकॉर्ड करने की कोशिश करी तो BP रिकॉर्डेबल नहीं। एटा से टाइम सिटी न्यूज़ के लिए गोविंद गुप्ता की रिपोर्ट।